जिसके दमदार ट्रेस में आपका स्वागत है। राजेश सतपुते और मानस जायसवाल पिछले शो से बने हुए हैं। अमित सेठ और रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। नतीजों पर डॉक्टर लाल पैथलैब से ग्रुप CFO वेद गोयल से होगी खास चर्चा और बिग मार्केट वॉइस में ASK हेज सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी से करेंगे एक बातचीत। साथ ही बताएंगे कि बड़े PSUs के विनिवेश को लेकर हमसे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सक्लूसिव तौर पर क्या कहा। ये सब कुछ लाइंड अप है और ऑब्वियसली वीरोल में तो रहेंगे ही अगले आधे घंटे आपके साथ। मार्केट इस समय डे हाई पर, डे हाई के काफ़ी करीब। सबसे टॉप पर इस समय है टाटा मोटर्स, 7.5% की रैली यहाँ पर। उसके तुरंत बाद IOC में 7% की रैली। टॉरेंट फार्मा, इंटरग्लोब एविएशन, BPCL, HPCL, NMDC, GMR एयरपोर्ट्स, डिक्सन टेक, ल्यूपिन, सिप्ला, गेल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम। सिर्फ एक दो स्टॉक्स हैं जो इस समय थोड़ा वीक हैं। UPL अर्निंग्स के बाद 6% नीचे है और उसके अलावा बंधन बैंक यहाँ पर करीब करीब 2% का प्रेशर इस समय आपको दिखाई देगा। वीरू जैम, और अभी कुछ देर पहले आशीष चतुर्मोता जी का एक जो एक मैसेज आया था कि SGFN रिकमेंडेड एट 72, इसी चैनल पर रिकमेंड किया गया था, नाउ इट्स 156। सबसे बड़ा चौंकाने वाला अगर प्राइस परफॉर्मर एक बजट लेके आएंगे SGFN, बड़ी दुविधा होती थी। ये स्टॉक 20 रुपये का हुआ करता था, 20, 22, 25, 30, 35, बस चला ही नहीं जनाब। और वो तारीख थी लगभग आप समझ लीजिए जून 2023 तक, ये उसी प्राइस पे रहा और आज ये 161 रुपये का। सबसे बड़े सरप्राइज पैकेजेस में ये हैं PSUs में। खैर, अब पैनल आपके स्क्रीन पे है कि करके कॉल्स लेना शुरू करते हैं। और राजेश सतपुते जी, मानस जी, अमित सेठ जी, रुचित जैन हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज का आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, आईटी में हमने मॉर्निंग में एक स्लो स्टार्ट देखा था, लेकिन वापस आईटी स्टॉक्स डेज हाई पे आ रहे हैं। सुबेरे थोड़ा सा इसमें हल्का फुल्का पुल बैक था, बट नाउ वी आर सीइंग स्ट्रेंथ अगेन। तो मुझे यहाँ पे विप्रो बड़ा अच्छा लग रहा है। विप्रो का स्ट्रक्चर एक इसने बहुत ही अच्छा बेस बनाया 10 और 20 DEMA पे, और बेस में बनाने में कम से कम 10 से 15 दिन लगे। एक राउंडिंग फॉर्मेशन बनाई है 10 और 20 DEMA पे, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे मिल रहा है। 487 का इसका प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 480 का और टारगेट्स रहेंगे 500 और 505 के। सेकंड स्टॉक जो है वो मैं फार्मा से चूज करना चाहूंगा। मुझे सन फार्मा का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। सन फार्मा इज इन अ कंटिन्यूअस अप ट्रेंड और इनफैक्ट इस ट्रेडिंग हमेशा अपने 10 DEMA के ऊपर रिसेंटली। रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो जो नियर टर्म मोमेंटम है अभी भी काफी अच्छा और पॉजिटिव है। 1451 का इसका प्राइस है, 1430 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 1500 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, सन फार्मा में अच्छा मोमेंटम है इस समय। ये हो गए अमित जी के पिक्स। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपकी दो ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर, मेरा पहला पिक रहेगा अल्केम लैब में खरीदारी की सलाह। सो आईडियली फार्मास्यूटिकल स्पेस में रीसेंट जो प्राइस अप हुए आए थे अल्केम में, वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुए थे। अब लास्ट 15 दिन से स्टॉक थोड़े कंसोलिडेशन फेज में गया है, लेकिन जो छोटी मोटी सेलिंग हुई है या प्राइस करेक्शन आया है उसमें वहां कहीं पे भी हाई वॉल्यूम्स के साथ सेल ऑफ नहीं है। तो स्टॉक अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म अगर लो टाइम फ्रेम चार्ट पे डबल बॉटम जैसा पैटर्न ये स्टॉक बना रहा है, तो मेरे ख्याल से अल्केम लैब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। यहाँ पे 4900 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 5200 ये टारगेट रेंज ये स्टॉक का हम देख रहे हैं, स्टॉक में आ सकता है। और दूसरा पिक रहेगा वेदांता में खरीदारी की सलाह। सो आइडियली फ्राइडे को ही सेकेंड हाफ से हमने देखा कि मेटल्स में काफी अच्छा मूव आया है, वेदांता में भी अच्छा प्राइस अप हुआ और ब्रेकआउट के वर्ज पर है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ ब्रेकआउट को। जो रीसेंट स्विंग आए थे 276-277 के आसपास ही थे, एक बार ये लेवल्स ब्रेकआउट आ जाए तो स्टॉक में 288 तक का मूव कंटिन्यू रह सकता है। तो वेदांता में यहाँ पे खरीदारी पार्शियल पोजीशंस करें और 278 के ऊपर निकलता है तो वहां पे और ऐड करें, 288 के टारगेट्स रहेंगे और 273 के स्टॉप लॉस रहेंगे। ओके, वेदांता और एल्केम लैब्स, ये हो गई पिक्स इस समय। रुचित की, मानस आपकी फ्रेश दो पिक्स इस समय की। अनुज जी, पहला पिक ग्रैनुअल्स है, जहां पर स्टॉक करेक्ट हुआ था 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास, समय काफी निकाला, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है। तो करंट लेवल्स पे आप ग्रैनुअल्स में खरीदारी करिए, 420 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 435 रुपए के टारगेट होंगे। और दूसरा स्टॉक IEX का रहेगा। देखिए, IEX में 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला था और ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा था। आज 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है स्टॉक ने, तो एक फ्रेश ब्रेकआउट है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 146 का स्टॉप लॉस लगाइए और 155 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, IEX 148.90 पे। राजेश सतपुते जी, आपके दो ट्रेड्स।
वीरेन जी देखिए, एक फार्मा और एक आईटी, टीसीएस बाय रहेगा मेरे हिसाब से। टीसीएस में कंप्लीट ब्रेकआउट मिला है और फॉलो थ्रू चल रहा है यहाँ पे, तो 4030 के आसपास है। हम स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 399 और टारगेट हम सेट करेंगे 4100 का। और फार्मा की अगर बात करें तो देखिए, टॉपिक तो मेरा भी ग्रैनुल्स ही था, लेकिन ग्रैनुल्स के बाद कोई था तो वो था सन फार्मा। सन फार्मा एक क्लियर ब्रेकआउट है, 1447 पे चल रहा है। आप स्टॉप लॉस इसका जो रहेगा वो रहेगा 1435 का, और सामने इसका टारगेट सेट करें 1480। तो क्लियर ब्रेकआउट सन फार्मा एंड टीसीएस। ओके, सन फार्मा एंड टीसीएस, यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट इस समय आपको विजिबल है। चलिए आप एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स एड्रेस करते हैं। तीसरी तिमाही में डॉक्टर लाल पैथलैब्स के नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर रहे हैं, आय एबिटडा और मुनाफा उम्मीद से कम रहा है। नतीजे और फ्यूचर आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर लाल पैथलैब्स के ग्रुप CFO वेद पी गोयल जुड़ गए हैं। गोयल जी, गुड मॉर्निंग। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा मार्केट इससे ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था शायद। क्या कॉम्पिटिशन का इम्पैक्ट अभी भी है, भले उतना ना हो, लेकिन क्या अभी भी कॉम्पिटिशन का इम्पैक्ट है आपके नंबर्स पर? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, नंबर थोड़े हमारे अनुमान से कम है, लेकिन जो हमने कहा डबल डिजिट की ग्रोथ है वो हमेशा हमने मेंटेन किया है। और अगर देखेंगे पूरी इंडस्ट्री में वी आर दी लीडर, नॉट इन दिस क्वार्टर, बट आप पिछले 2-3 साल देखेंगे तो हम मार्केट में इंडस्ट्री लीडर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, मार्जिन्स, एवरीथिंग। कुछ कारण थोड़ा सा स्लो डाउन का ये रहा कि सीजनल और जो फेस्टिवल थे इस साल में वो थोड़े डिफरेंट थे पिछले साल से, और कुछ लास्ट ईयर का थोड़ा बेस का भी इम्पैक्ट था, इसलिए थोड़े हमारे नंबर अभी 10.2 की हमारी ग्रोथ दिखी है। लेकिन हम बहुत होपफुल हैं कि आने वाले टाइम में ये ग्रोथ और यहाँ से अच्छी रहेगी। Q3 आप अनुज जी देखें, ओवरऑल हमारे सारे क्वार्टर्स में Q3 वैसे भी थोड़ा कम होता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे हमारा Q1 और Q3 सेम होता है, और इस बार भी वो सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली, अगर प्री कोविड भी देखेंगे तो Q1 Q3 हमारा सेम होता है, जो इस साल भी वो सेम ही है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि सबर्बन का इम्पैक्ट कितना रहा है आपके ऊपर यहाँ पर, और क्या मुंबई मार्केट में एक इनरोड्स बनाने में हेल्प की है उसने, और यहाँ पर क्या व्यू है अब? डेफिनेटली सबर्बन, देखिए अभी पिछले 2 साल में हमने सबर्बन पे काफ़ी काम किया। पहले इनिशियली में तो थोड़ी हमें प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि पीपल इंटीग्रेशन वो सब दिक्कतें आई, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि अभी डायरेक्शनली हम देखेंगे 2 क्वार्टर से सबर्बन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और नो डाउट जो सबर्बन हमने मुंबई में लिया वो पर्पस वही था कि जो हम उसको स्केल अप करें, क्योंकि मुंबई में हमारा जो अपना बिजनेस था डॉक्टर लाल का वो इतना ज़्यादा नहीं था। आफ्टर सबर्बन आई थिंक वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट हो गए उस मार्केट में। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो आप देखेंगे हम नंबर 1 है पूरे महाराष्ट्र में, चाहे लैब्स हो चाहे कलेक्शन सेंटर हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऑल सेट है। हमारी रेफरेंस लैब भी हमारी खुल गई है वहाँ पे, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में सबर्बन और अच्छा करेगा यहाँ से। अभी जितना हमें अनुमान है उतना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले टाइम में सबर्बन बहुत अच्छा करेगा यहाँ से। ओके, वैसे अब ये वॉल्यूम्स कैसे रहे, मतलब वॉल्यूम से मेरा प्रश्न ये है कि जो टेस्ट पर क्लाइंट्स बढ़ रहे थे बीते 1 साल में पोस्ट कोविड जो बढ़ रहे थे, उनकी स्थिति कैसी है? और एक और चीज़, ये जो Tier 3 Tier 4 शहर हैं जहाँ पे आपने पिछले कुछ वर्षों में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है, वहाँ से कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हुआ है सर? नमस्कार वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि हमारा टेस्ट पर पेशेंट इस क्वार्टर में भी आप देखेंगे 4% की ग्रोथ है उसमें। और मुझे लगता है टेस्ट पर पेशेंट की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी करीब 2-3 साल पहले से। हमारा ये 2.4-2.5 पे होता था, आज ये 2.8-2.9 पे पहुंच गया है टेस्ट पर पेशेंट। और उसका कारण ये है कि जो हमारे पोर्टफोलियो मिक्स, जो एक हमारा स्वस्थ फिट है, वो काफ़ी अच्छा हमारा कर रहा है। पास में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और मुझे उम्मीद है गोइंग फॉरवर्ड भी काफ़ी अच्छा करेगा, तो वो जर्नी मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी। सेकेंड जो हमारा वॉल्यूम का है, वॉल्यूम के 2-3 चीज़ें हैं जिसमें
इसको इम्पैक्ट करती है। एक तो मिक्स है जो हाई एंड और यू नो रूटीन के टेस्टिंग का है, और एक जो मैंने बताया पोर्टफोलियो जो स्वस्थ फिट वॉल्यूम हम जो बताते हैं वो पेशेंट विजिट बताते हैं, लेकिन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि एक ही पेशेंट को हम अगर एक ही विजिट में कुछ ज़्यादा सर्विस दे दें या ज़्यादा टेस्ट कर दें तो उसका रिफ्लेक्शन है कि आज आप देखेंगे हमारा स्वस्थ फिट का कॉन्ट्रीब्यूशन करीब 20-21% है। एक तो रीज़न वो है। सेकेंड क्वेश्चन आपने टीयर थ्री टीयर फोर से पूछा, वो बहुत अच्छा हमारा कर रहा है। इनफैक्ट हमने स्लोली इनरोल किए टीयर थ्री एंड डाउन, उसमें आज हमारी 34% रेवेन्यू इस टीयर थ्री प्लस एरिया से आती है, और उसकी अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे हम पिछले 3-4 साल की तो 18% की CAGR ग्रोथ है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि जो पॉपुलेशन वहाँ पे बैठी हुई है टीयर थ्री टीयर फोर टीयर फाइव में एंड डाउन द लाइन रूरल ऑल्सो, तो ये अगर हमारी जर्नी और ये ग्रोथ ऐसे ही रहती है तो हमें बहुत उम्मीद है इस टीयर थ्री टीयर फोर टाउन से, और ये हम और डीपर जा रहे हैं। अभी हमारी जो कोर ज्योग्राफी है नॉर्थ और यू नो ईस्ट, वहाँ पे देखेंगे बहुत स्कोप है। सिटी जैसे हम अभी बड़ी बड़ी सिटीज में हैं, लेकिन उनके नीचे हम अभी गोयल साहब आई गॉट योर पॉइंट। आई मीन मुझे वॉल्यूम्स के दृष्टिकोण से टीयर थ्री टीयर फोर से मिल गया। एक और बात, आपको अभी आपने अनुज जी के प्रश्न के उत्तर में मुंबई का जिक्र कर ही दिया, नॉर्थ इंडिया में आपकी प्रेजेंस को देख ही रहे हैं, अगले एक साल में आप क्या मानते हैं, आई मीन साउथ से आपका कितना रेवेन्यू आ जाएगा, वहाँ क्या एक्सपेंशन प्लान है आपके? देखिए साउथ में हमारे दो प्लान है, एक तो ऑर्गेनिकली हमारा इंजन चल रहा है, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट भी आप देखेंगे हमारी काफ़ी नई लैब जो साउथ में ही आई है, और आने वाले टाइम में भी हम साउथ पे बहुत फोकस हैं। पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए साउथ में मुझे लगता है हम इनऑर्गेनिक भी एक ऑप्शन है हमारे पास, और हमारे पास काफ़ी कैश भी है, तो साउथ एक एरिया है जहाँ पे हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत उस पर हमारा फोकस है। अभी साउथ में ज़्यादा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, 7-8% रेवेन्यू साउथ से आती है, पर मुझे लगता है आने वाले टाइम में साउथ में बहुत पोटेंशियल है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंजन दोनों मिला के हमें लगता है साउथ में भी हमारा काफ़ी सब्सटेंशियल पोर्शन होना चाहिए फ्यूचर में। ऑलराइट गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको आगे के फ्यूचर प्लान्स के लिए। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वो जो हमारा बिग इंटरव्यू हुआ था फ्राइडे को उसकी बात करते हैं। SPI और ONGC में भी अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार को परहेज नहीं है। बजट के बाद ये सबसे बड़े इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ब्लू चिप PSUs में भी वो 49% या उससे कम हिस्सेदारी रखने को तैयार हैं। आइए सुनते हैं। बाइट The public sector companies have done really well, you know, and public markets are also where they are. Would you consider sort of diluting your stake maybe to 49% in some of the companies? Thereby, they are not government owned, but at the same time, you have best of both the worlds, of and course, the valuations could go up even further. No, certainly that is not something which has been denied earlier, meaning as a matter of policy. But in many ways, we are already. You will see periodically the DIPAM. Yes. Department which takes care of the disinvestment has slowly in trickles released a lot of government's shares into the market so that private ownerships can come in and they can take hold of those shares. So that is happening already, and we'll certainly like to make sure that greater participation, public ownership of in companies like let's say SBI or ONGC, yeah, yeah, yeah. You know, I mean this could be another possibility. Absolutely. ओके तो चलिए ये बात हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट, और देखिए आज भी PSUs में काफ़ी शानदार मोमेंटम है और ऑब्वियसली उसके आगे मॉनेटरी पॉलिसी भी एक ट्रिगर है। ऐसे में मार्केट आउटलुक पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ASK हेज सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी। वैभव जी गुड मॉर्निंग। मार्केट ने बजट को 2 thumbs up दिए, वो फिस्कल डेफिसिट वाले शायद टारगेट को लेकर, और एक रेटिंग एजेंसीज के ऊपर शायद एक प्रेशर बने अब रेटिंग अपग्रेड के लिए, लेकिन आपके हिसाब से क्या अब ये जो बुलिशनेस रही है मार्केट में ये कंटिन्यू करेगी? आई थिंक लेट मी स्पिन इट इन द अदर वे कि क्या ऐसी कोई ट्रिगर और इवेंट है जहां ये मार्केट की बुलिशनेस रुक सकती है? ऑफ कोर्स अगर हम ग्लोबल एंगल से देखे हैं तो
चाइना एक फैक्टर है जहां थोड़ा प्रेशर आ सकता है, और हम कंटिन्यूस देख रहे हैं कि वहां से डेटा वीक ही आ रहा है। इन एडिशन टू दैट, हमने जब एफओएमसी मीटिंग का मूल्यांकन किया तो ये लग रहा है कि जिस हिसाब से स्ट्रीट रेट कट्स देख रही है, यू नो 5 या 6 जो भी, आई मीन द एस्टिमेट्स आर ऑल ओवर द प्लेस, बट उस हिसाब से उसके कंपैरिजन में हमें लगता है कि थोड़ी कम रेट कट्स आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। सो ये तो एक बड़े रिस्क फैक्टर है ओवर द ईयर, बट ऐसा है कि ये कोई ट्रिगर बेस्ड है, इवेंट बेस्ड है? नो, आई डोंट थिंक सो। सो इन दैट केस आई थिंक एक ऐसा गोल्डिलॉक्स सिनेरियो बन गया है जहां ग्लोबली सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है, इंटरेस्ट ब्याज दरें थोड़े थोड़े नीचे आएंगे, यहाँ इंडिया की इकोनॉमी मोमेंटम में है और अर्निंग्स भी ठीक ठाक है, तो ये मोमेंटम ब्रेक होने का ऐसा कोई रीजन हम नहीं देख रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। ऑफकोर्स यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है, बट आई थिंक दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। ओके, थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है लेकिन दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। वैभव जी, अभी हमने एक बाइट प्ले की थी PSUs को लेकर, और PSUs में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया पिछले एक साल में। आपके पोर्टफोलियो में है क्या PSU स्टॉक्स, और यहाँ पर क्या व्यू है? सी, आई थिंक PSUs में पहले ऐसा व्यू था कि ये बहुत ही वैल्यू स्टॉक्स है और यू नो काफ़ी पॉसिबिलिटी है इसको चलने के लिए, बट वो वैल्यू काफ़ी देर तक वैल्यू ही रहा, उसका कोई ट्रिगर नहीं था, उसको अनलॉक करने का कोई रीज़न नहीं था। बट अगर हम देखें लास्ट एक साल में या दो साल में जिस हिसाब से ग्रोथ प्लान्स बन रहे हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का नज़रिया बन रहा है हर एक PSU कंपनीज के हिसाब से, आई थिंक काफ़ी वैल्यू अनलॉक हुई है यहाँ पे, और एक स्टेडीनेस इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी भी दिखी है ओवरऑल PSU सेक्टर्स में। और PSU सेक्टर्स की बात करें तो डिफेंस पकड़िए या दूसरी कोई भी सेक्टर्स, कैप गुड्स पकड़िए या रिफाइनरीज पकड़िए या अक्रॉस PSU बैंक्स एज वेल पकड़िए, आई थिंक फ्रॉम अ फंडामेंटल बिजनेस परस्पेक्टिव ये इम्प्रूव हो रहे हैं, और इसी के लिए हमने देखा कि काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है ओवरऑल एंटिटी में। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट का एज आई सेड नजरिया है, अप्रोच है टुवर्ड्स द ओल्ड PSU बैंक, लाइक माय सेंस इज के ये कंटिन्यूड रहेगा। ओके, PSU बैंक्स का ये मूव जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, और PSU बैंक्स पे भी, और इनफैक्ट ओवरऑल PSUs पे भी अपने अपना व्यू दे दिया। अच्छा वैभव जी, आज हम कुछ नंबर्स को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें एक टाटा मोटर भी रहा, क्या नंबर थे, आई मीन स्टॉक एट ऑल टाइम हाई। ऑटो ने वेल्थ क्रिएट करी है, चाहे वो वेदर इट्स मारुति, नॉट एग्जैक्टली आई थिंक राइट नाउ, बट हाँ पिछले 10 महीनों में उसने वेल्थ क्रिएट करी है। टाटा मोटर्स, लुक एट TVS, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये प्राइस अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का है पार्शली, सब्सटेंशली, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी और चलेगा? अभी पिक करने लायक ऑटो में आपको और क्या ठीक लगता है सर? चैतन्य वीरेंद्र, आपने एकदम सही सटीक तरीके से कहा है कि ऑटोस में काफ़ी अच्छी मोमेंटम थी लास्ट एक साल दो साल में, बट हम ऐसे दौर पे हैं यहाँ पे कि हमें ये सेक्टर ओनर ओवरऑल बेसिस थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। और ट्रिकी क्यों लग रहा है? बिकॉज उसमें काफ़ी सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ हमें लगता है कि सिक्लिकल टॉप के टूवर्ड्स हम आ रहे हैं, एस्पेशली अगर हम देखें CVs, देखें ट्रैक्टर्स, देखें हमें लगता है कि यहाँ से ग्रोथ वीक होनी चाहिए। एट द सेम टाइम पैसेंजर व्हीकल की जो कमेंट्री भी देख रहे हैं हम, वहाँ थोड़ी लोअर ग्रोथ की गुंजाइश सकते हैं। हाँ, टू व्हीलर्स एक ऐसा सेगमेंट है जो परफॉर्म कर रहा है, बट ओवरऑल ऑटो सेक्टर में आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैली जहाँ ऑलरेडी RM टेलविंस आ चुके हैं, नंबर्स फैक्टरिंग हो चुके हैं, और गोइंग फॉरवर्ड अगर सम हमें ग्रोथ पे अगर थोड़ा प्रेशर दिख रहा है पर्टिकुलर सेगमेंट्स में, तो ये ये सेक्टर ऐसा है जहां आप कैश ले सकते हैं, थोड़े प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, ऑटो पे आपने वैभव जी का व्यू सुना, थोड़े से अगर आप देखें प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना सही रहेगा। अच्छा, एक स्पेस सर जहाँ पर वैभव जी बहुत कन्विक्शन है बाजार का, इंडियन होटल्स के नंबर्स देखे हमने, आज आप ताजीविकी को देखिए, आप लेमन ट्री को देखिए, आप GMR एयरपोर्ट्स को देखिए, आप इंडिगो के रिजल्ट्स को देखिए, उनकी प्राइस परफॉर्मेंस को देखिए। यात्रा शुक्रवार को ऑल टाइम हाई पे था, ट्रेड कर रहा था, तो ये जो लोग इस थीम को रीड कर रहे हैं, रीड करते रहें, अभी मतलब राइड करते रहें, और कोई खास स्टॉक जो आपके जहन में आता हो अभी भी, जहाँ वैल्यूएशंस, जहाँ प्राइस कम्फर्ट दे रहा हो आपको?
सी फ्रॉम अ टॉप डाउन स्टोरी ना, टूरिज्म एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है. सेकेंडली अगर हम कंज्यूमर्स को डिफरेंट सेगमेंट में बांटते हैं तो बहुत अगेन बहुत ही अजीब बिहेवियर है, इन द सेंस कि आप अगर फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स, गुड कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करें तो वहाँ वीकनेस ऑफ डिमांड बहुत ही दिख रही है. एट द सेम टाइम प्रीमियम एंड के कंज्यूमर गुड्स में ट्रैक्शन भी बना रहा है. कंज्यूमर्स को स्पेंड करना है अपने एक्सपीरियंसेस पे, और यू नो पोस्ट कोविड जिस हिसाब से नजरिया बदला है कंज्यूमर्स का, आई थिंक ये एक ऐसी थीम है जहां एक्सपीरियंस अलोंग विद नाउ स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें तो वो भी यू नो साथ में कंबाइन होके आई थिंक एक बहुत ही बेहतरीन तक और अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है गोइंग फॉरवर्ड. नाउ जिस हिसाब से कंपनीज हैं जिनके एसेट्स हैं, आई थिंक वो स्टैंड आउट बेनिफिशियरी है ऑपरेटिंग लेवरेज का, बिकॉज इट्स अ ग्रेट स्टोरी ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. सो नंबर्स मुझे लगता है ये कंटिन्यूड रोबस्ट रहेंगे ऑन एन ओवरऑल सेक्टर. ऑफकोर्स जो क्या वैल्यू पे करते हैं ये ऑलवेज एक क्वेश्चन मार्क होता है, बट आई थिंक ऑन एन ओवरऑल मैक्रो स्टोरी परस्पेक्टिव ये ठीक ही लग रहे हैं. ओके अच्छा एक स्पेस, आई डोंट नो आपने कितना यहाँ पर मतलब नंबर्स नोटिस करे हैं या आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, स्पेशलिटी केमिकल्स यहाँ बहुत पैसा बना था लेकिन पिछले एक साल से नंबर्स काफ़ी ख़राब रहे हैं, कोई व्यू यहाँ पर? स्पेशलिटी केमिकल्स आई थिंक अगर एक साल के पहले देखते हैं तो काफ़ी अच्छे रैली हुई थी और उनके वैल्यूएशन हम देखते हैं तो आई थिंक दे वर वेरी रिच फॉर अ कमोडिटी कंपनी. नाउ जब भी कमोडिटी कंपनी में हेडविंड्स आते हैं और यह हेडविंड्स की बात है तो ग्लोबल साइड से ज़्यादा हेडविंड्स है, कहाँ ग्रोथ वीक हो रही है, तो वो डायरेक्ट कोरिलेशन है बिटवीन स्पेशलिटी केमिकल्स एंड प्रोबेबली ग्लोबल ग्रोथ एज वेल. और उसके कारण हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंपनियों ने केपेक्स कर चुके हैं, वहाँ थोड़ा प्रेशर आ रहा है फ्रॉम अ रेवेन्यू परस्पेक्टिव और प्राइसिंग परस्पेक्टिव से. सो आई थिंक एलिवेटेड मल्टीपल से थोड़ा करेक्शन एक स्वाभाविक था और एक नेचुरल कोर्स था. गोइंग फॉरवर्ड प्रॉबेबली अगर ग्लोबल इकोनॉमी इतनी क्रैश नहीं हो रही है, थोड़ा बॉटम आउट हो सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी है एक यहाँ से बाउंस बैक दे सकते हैं. बट टिल द टाइम देयर इज रोबस्ट रिकवरी, हमें नहीं लगता है कि ये सेक्टर में ज़्यादा पैसा बनाने की गुंजाइश है. ओके मीन वाइल मार्केट देखिए अगेन रेजिस्टेंस जोन में आके कोलैप्स किया वापस. निफ्टी आज देखिए दोनों साइड की ट्रेड्स रही हैं, लोअर लेवल पर सपोर्ट, हायर लेवल पर रेजिस्टेंस. और बैंक निफ्टी देखिए अब फिर से बैंक निफ्टी अगेन हायर लेवल से स्लिप करता हुआ 204 पॉइंट अब बैंक निफ्टी नीचे. मेरे ख्याल से कुछ टाइम चलेगा मार्केट इस तरीके से, दोनों साइड के मूव्स आपको शायद दिखाए. अच्छा वैभव जी एक दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर हमारा आईटी, यहाँ पे अब हमने सारे के सारे लार्ज कैप के नंबर देख लिए. मार्केट ने एक लीप ऑफ फेथ लिया था पिछले दो तीन क्वार्टर्स में, खराब नंबर के बावजूद आईटी स्टॉक्स गिरना बंद हो गए थे. अब क्या थोड़े से ग्रीन शूट्स दिखे हैं आपको, क्या पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे लार्ज कैप आईटी को? अटली सनोज आई थिंक लास्ट क्वार्टर में एटलीस्ट ऑन द मार्जिन कहें हम तो कमेंट्री थोड़ी बेटर हुई है. साथों साथ जो डिसरप्शन जो हमें एक्सपेक्टेड था कि जनरेटिव एआई या एलएलएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस हिसाब से ये इंडस्ट्री में फेर बदलाव करेगा, ये हमें देखना था कि वो कैसे पैन आउट होता है. साथ एंड लास्टली कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जब नीचे आते हैं तो वो डायरेक्ट कोरिलेशन भी है साथ में इन टर्म्स ऑफ द टेक स्टॉक्स मूवमेंट. एंड फ्रॉम अ डिफेंसिव परस्पेक्टिव एज वेल ये सेक्टर यू नो फ्रॉम अ कैश फ्लो यील्ड बेसिस आल्सो ये ठीक लगते हैं. माय सेंस इज के यहाँ पे बॉटम आउट होना लगता है मुझे, एटलीस्ट आफ्टर अ लिटिल मोर करेक्शन, बट उसका जेस्टेशन पीरियड काफ़ी लंबा रहेगा यू नो फ्रॉम अ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी बेसिस. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम हम न्यूट्रल हैं, साइडवेज रहेगा सेक्टर जब तक कि कमेंट्री यू नो डिसाइसिवली चेंज नहीं होती टुवर्ड्स ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस. ओके अच्छा एक पॉसिबली सर आखिरी प्रश्न आपसे, ये एचएफसीज में हमने काफ़ी अच्छा खासा मूव देखा है जिस तरीके से हाउसिंग को प्रमोट करने की इस अंतरिम बजट में भी बात की गई है, एचएफसीज में मूव अच्छा आया है और आई थिंक हमें एक लीडर का अभाव है एचडीएफसी बैंक जब से चला गया है तब से. आपका अगर आप कंफर्टेबल हो किसी स्टॉक पर टिप्पणी करने में, एचएफसीज पे व्यू और लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी? सी आई थिंक एचएफसीज एज ए सेगमेंट जब हमने लास्ट मेजर्स देखे आरबीआई की तरफ से टूवर्ड्स पर्सनल लोन, एचएफसीज को बाजू में रखा था प्योरली बिकॉज एक
प्रायोरिटी सेक्टर और प्रॉब्ली एक फोकस तरीके से उसको प्रमोट करना है फ्रॉम एन हाउसिंग सेक्टर परस्पेक्टिव, साथों साथ बजट में भी जो जिस हिसाब से यू नो फोकस रहा है ऑन हाउसिंग सेक्टर, हमें लगता है कि यहाँ यू नो ट्रैक्शन बना रहेगा। ऑफकोर्स जब ब्याज दरें नीचे आती हैं तो उनको फंडिंग में बेनिफिट ऑफकोर्स होगा, बट ये एक ऐसी सेक्टर है जहाँ आपका लिमिटेड रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, लिमिटेड स्प्रेड्स होता है, तो ये वैल्यू मोर ऑफ अ वैल्यूएशन गेम और अ कैटलिस्ट गेम होता है जनरली। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें कोई निगेटिव्स नहीं दिख रहे हैं, यहाँ से अगर पॉजिटिविटी आती है, लोन ग्रोथ बढ़ती है, तो हमारे हिसाब से ये सेक्टर में थोड़ी फर्दर एक्टिविटी रह सकती है। ओके वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में आज शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे स्टॉक्स पे अपना अपने व्यू शेयर किया, सब बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, लेकिन एक श्रृंखला की शुरुआत में है। जी हाँ, FNO गुरुकुल सीजन 2 आ रहा है 10 और 11 फरवरी को। मुख्य बात यह है कि 8 फरवरी को, यानी अब से महज 3 दिन बाद, इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो बंद कर दी जाएगी। तो आपके पास अगले 4 दिन हैं इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। आपके स्क्रीन पे ये स्कैन, ये जो स्कैनर है इसको स्कैन कीजिए और शामिल हो जाइए। यकीन मानिए, इस बार बेहद शानदार पैनल इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगा। हेमंत ठुकराल, आदित्य बिरला मणि, आशीष चतुर्मोथा, चंदन तापड़िया और अमित अनुज। वाकई इस बार लोगों के मैसेजेस और उनकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया देखकर मैं पहले से ज़्यादा उत्साहित हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स इस बार, मतलब लोग जुड़ना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से लोग इस बार पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका मैंने एक रिहर्सल भी किया था शनिवार को, मजा आएगा मुझे इस बार। बिल्कुल भी, तो देखिए जब हमने ये सीजन 2 निकाला था तो मुझे एक सेकंड के लिए तो लगा था कि शायद हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी तो लेके नहीं आ रहे हैं सीजन 2 सीजन 1 के बाद, लेकिन जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन आए हैं ये चीज़ क्लियर हो गई है कि देखिए लोगों में सीखने की भूख है इस समय, लोग सीखना चाहते हैं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, लोग सीखना चाहते हैं। और देखिए ये आप देखिए मार्केट में बहुत लोग बहुत कोर्सेज बेचते हैं और बहुत कुछ चार्ज करते हैं, हमने भी एक प्राइस पॉइंट ज़रूर रखा है, लेकिन वो हमने प्राइस पॉइंट सिर्फ रखा है एज अ डिटरेंट, ताकि हर कोई मतलब जो नॉन सीरियस हो वो भी ना आ जाए। अगर आप सीरियस हैं और इसको अगर आप एक छोटी सी एक फीस समझते हैं कि देकर अगर एक बार ट्राई करते हैं कि शायद आपकी ट्रेडिंग बेटर हो, इसके लिए हमने एक बहुत छोटा सा प्राइस पॉइंट रखा है इस पर। और मुझे खुशी है कि हम पिछले वाले गुरुकुल के नंबर को क्रॉस कर रहे हैं बिरू, तो ये अपने आप में आपको बता रहा है कि लोग सीखना चाहते हैं। जी हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ, इनफैक्ट अनुज मैं शनिवार को इसके रिहर्सल में था, मेहमान भी थे, अमित मेरे साथ थे। बातचीत में जब बातचीत शुरू होती है, बहुत बेसिक, मतलब 1 घंटे का मैंने ड्राई रन किया था उसको, एक से एक मुख्य बिंदु बारीकियाँ निकल के आते हैं। जो शुरुआती 1 घंटे में 2 चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को भी नहीं मालूम चली, तो यकीन मानिए ये सीजन 2 में एक से एक अच्छी चीज़ आएंगी। जो पहले का जो हमने सब्जेक्ट्स कवर किए थे वो तो कवर करेंगे, बट इस बार जो पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, मात्र 20 स्टॉक को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करना, याद रखिएगा कोई पोर्टफोलियो नहीं होता है, उस पोर्टफोलियो की आप संरचना कैसे करनी है, इन सभी बातों पे मैं, अनुज, अमित, हेमंत, आशीष, चंदन इस बार ये लेके आ रहे हैं FNO गुरुकुल सीजन 2। याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमें 2 दिन पहले ही बंद करनी पड़ेगी, 8 फरवरी को ये प्रक्रिया जो है रजिस्ट्रेशन की बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद हमें कोर्स कंटेंट और साथ ही साथ मॉड्यूल्स तैयार करने होते हैं, भेजने पड़ते हैं लोगों को, रजिस्टर्ड सभी अगर आप देखें लोगों को, तो 8 फरवरी को ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अनुज, मार्केट वोलेटाइल, मेरे ख्याल से रेंज में थोड़ा सा परेशान करेगा। वोलेटाइल रेंज में है, और देखिए जो आज हमने डिस्कस किए थे सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसी रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। नीरज जी आ गए स्टूडियो में, आपके सवाल होंगे उनके जवाब देने के लिए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। और थोड़ा वोलेटाइल है मार्केट आज, एडवांस डिक्लाइन भी अभी तक तो फेवर में है, देखते हैं दिन में क्या होता है, लेकिन चलिए बहुत सारे सवाल होंगे आपके इस मौके पर, सबका जवाब दिया जाएगा, लेकिन सबसे